अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश रहा हूँ अपने YouTube चैनल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक हो। आज हम लोग जा रहे हैं एक गांव में, और गांव का नाम है जी वतना। वतन से जैसे वतन होता है ऐसे वतना। और ये कहाँ आएगा जी? कसूर रोड पे जाके ना, कसूर जाते हुए रास्ते में एक जगह है सुए आसल, उससे राइट मोड़ के फिर काफी आगे जाके आता है वो, राइट भी वो रोड जाता है। तो वहां पे हम जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। तो आइए आपको वहां के खेत और गन्ने और मकई और इस तरह की सारी चीजें, अमरूद, ये दिखाते भी हैं। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा जनाब जी, हम लोग ये वतना पिंड में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल मेन पे या मेन रोड पे, ये गांव है वतना, और सामने जनाब ये कमाद लगा हुआ है, गन्ना इसको कहते हैं। ये कैसे लगते हैं ये मैं करीब जाके आपको दिखाऊंगी। साथ ही सब्जियां भी ये लगी हुई है जो छोटी छोटी है ना, ये है सब्जी, ये वाली मेरी उंगली कहाँ गई, ये सब्जी है ये, और पीछे जो ये कमाद है, सही है, यानी कि गन्ना लगा हुआ है ना। तो जनाब इस तरफ भी ऐसे ही है। वो सामने जो है ना, जो थोड़ी बड़ी बड़ी सी है, ये है जनाब मकई, ये वाली, ये जो बड़ी बड़ी सी है ना, ये है मकई, इसको भी मैं करीब जाके दिखाऊंगी। और जो साथ ये छोटी छोटी घास सी लगी हुई है ना, ये मूली लगी हुई है, ये मैं आपको करीब जाके दिखाऊंगी। हाँ, आला को भी नहीं पता ये मूली है। यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाना है जिसके लिए जमीन को तैयार किया हुआ है, सही है। और हम जनाब यहाँ पे सैंडविच खाने लगे हैं। मैं भी सैंडविच खा के फिर बात करती हूँ इंशाल्लाह। आ गए हैं जी हम कमाद के खेत में, और ये ट्रॉली है, ट्रॉली गुजर रही है, और लड़के हंस रहे हैं, गांव के लोग हैं ना, सीधे साधे से, भोले भाले से। अच्छा गन्ना जो ना ऐसे लगता है, ये गन्ना है। अब ये जो ऐसी चीजें होती हैं ना, ये सारी ये उतार लेते हैं इस तरह, और फिर नीचे से ये गन्ना ऐसे निकलता है। तो ये गन्ने का पूरा खेत है, ये देखिए जनाब, ये सारा गन्ने का खेत है, और लोग जो है ना काटते हैं ऐसे। अच्छा इसको ना नीचे से काटा जाता है, जैसे ये देखो, नीचे से काटते हैं, थोड़ा सा रह जाता है, फिर अगले कुछ महीनों के बाद ये फिर दोबारा यहीं से उग जाता है। ये साल में दो दफा फसल जो है लगती है। आला और मीनी जो है ये साथ में सैंडविच खा रही हैं, और गन्ने का जो है वो हमने खेत भी देख लिया। अब मैं आपको गन्ने का जूस भी आला ने पीना है। अब हम आगे जो है देखते हैं क्या आपको दिखाएं, क्या दिखा सकते हैं, सब्जी कोई दिखाते हैं या जो भी चीज है वो। अच्छा ये जो है बड़े बड़े पत्ते, ये है शलगम, ये, और मजे की बात कि इन पत्तों को तोड़ के अगर आप सूंघे, जो कि मैं आपको सूंघा नहीं सकती, मैंने खुद सूंघा है, और आला ने और बीनी ने, तो इन पत्तों के अंदर जो है शलगम की खुशबू है, और साथ ही जो है ना ये गोभी है, ये जो एक होता है ना यहाँ से वाइट, और ये पीछे से वाइट और आगे से ग्रीन, ये पत्ता ये है गोभी का, और ये शलगम है, ठीक है ये वाला, और ये जो साथ मेथी जैसा एक है ना, ये पट्टे हैं। गाजर भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, वो भी मैं आगे जाके दिखाती हूँ। हम देखते हैं कोई अगर हमें ऐसा बंदा मिल जाए ना जो हमें इनको तोड़ के भी दिखा सके। और ये सामने जो है ना, ये सरसों है, ये सरसों। तो जनाब जी आगे जो है ये देखिए, इसी तरह ये भी खेत है, वो सामने अमरूद का एक पेड़ लगा हुआ है, साथ मकई लगी हुई है। अच्छा जी ये है गाय, और बहुत ज्यादा गाय हैं। अब ना हम जरा, ये गाय हैं और बहुत सारी गाय हैं, इतनी सारी आ रही हैं माशाल्लाह से, ये देखिए। और हमने ना इनसे दरवाजा खुलवाया इन खातून से, और हमने कहा हम जरा आपके घर में हो जाए, इतनी सारी गाय आ रही है, हमें इनसे ना डर लग रहा है। अब कुछ जो वो इस तरह मुड़ गई हैं, अब इनका पता नहीं है कि ये सारी मुड़ेंगी या सीधी जाएंगी। तो सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, बस अब मैं भी भागने लगी हूँ इस घर में ना, एंटर हो जाती हूँ, ये घर है, जा रही है। अच्छा जी गाय जो है वो जा रही है अभी, जी जी
मारदिया ने ना, हाँ इसीलिए तो हम खड़े हो गए थे, वो कह रही है मारती है ये गाय ना। तो अच्छा मुझे गाय से एक वाकया याद आया कि मैं जो है ना कोई थी 8-9 साल की शायद होंगी, नहीं 8-9 की भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं मिनी से जो है ना 6 साल बड़ी हूँ। अल्लाह हाफिज, ये मिनी है, मिनी से मैं 6 ईयर्स बड़ी हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छी लेडी है, वो कह रही है आए हमारे घर चाय पिए, वापसी पे आप आए और आके वापसी पे चाय पीना। तो हमने कहा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम ज़रूर इनके घर आएंगे। तो मैं बता रही थी कि मैं 6 ईयर्स की होंगी, मिनी थी जी 2 महीने की, और मैंने इसको उठाया हुआ था, मेरे बू आर्मी में चूँकि जॉब करते थे तो कैंट की तरफ से घर मिला हुआ था। एक कोने वाले घर के साथ वाला घर हमारा था, और कोने वाले घर के पास से मैं मिनी को उठा के और कंधे पे मैंने उठाया हुआ था। 2 महीने की ये थी, और ये जो है शी वॉज प्री मेच्योर बेबी, तो ये फिर कितनी पतली सी होगी आप अंदाज़ा कर ही लें। तो मैं इसको उठा के जा रही थी, अब मिनी आप भी सुन लो ये स्टोरी, इसे याद नहीं है, मैंने इतनी दफ़ा सुनाई है याद नहीं है। तो जनाब जी मिनी को उठा के कंधे के ऊपर, और मैं कहीं पता नहीं कहाँ जा रही होंगी, अब इतना तो याद नहीं है। तो ना वहाँ से बहुत सारी गायें आई और कंधे पे उठा के, मतलब कंधे, अब आला की आप हरकतें देखिए, आला इस बात पे इतनी हंस रही है कंधे पे ऐसे उठा के, मेरी बात सुने, 2 महीने की बच्ची कंधे से लगाई हुई थी, ऊपर नहीं उठाई। स्टाइल यही था। अच्छा चले माजरत के साथ जी, बढ़िया खतरनाक ने मेरिया पैना, माजरत बाजी जी, कंधे से लगा के। और जनाब जी मैं जा रही थी और ना बहुत सारी गायें आई, बहुत सारी गायें आई। अच्छा मुझे, मैं चूंकि बहुत छोटी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये मुझे कोई टक्कर शक्कर मार सकती है। एक गाय ना मेरी तरफ बड़ी, उसके बड़े बड़े सींग थे, मुझे उसका कलर भी याद है, लाइट लाइट सा ब्राउन सा और ऑफ वाइट सा। वो मेरी तरफ बड़ी और उसने आके ना और अपना ना सर नीचे कर लिया, मुझे तब भी नहीं अंदाजा हुआ, 4 या 5 कदम ना वो भागी मेरी तरफ, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। और उसने बस ये मुझे याद है, उसने ना नीचे सर के साथ ही भागी और उसने ना मुझे टक्कर मारी, और मेरा जो आँख के नीचे जो गाल वाली जगह होती है ना, ये मुझे बस याद है कि यहाँ पे ना मैं लटक गई उसके सींग के साथ। मुझे पता ही नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं, मैं शायद बेहोश हो गई थी यकीनन। और जो मीनी थी ना, ये चूंकि एक तो प्री मेच्योर थी, हल्का था इसका वजन और बच्ची थी छोटी, तो ये जो घर कोने वाला था ना, उसकी दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, ऐसे होगी कोई 5 फीट या 6 फीट होगी। ये जब उसने मुझे टक्कर मारी ना, तो ये उनके दीवार के, दीवार से परली तरफ जाके उनके सेहन में गिर गई। मुझे जब लोगों ने उठाया, ये देखें जी गांव में कितना अच्छा घर बना हुआ है, बाकी शहर से प्यारा नहीं तो शहर जैसा तो है ही है। और किसी हमारे अलतिशी बहन भाई का ये घर है, वो अलम लगा हुआ है। तो जनाब जी मीनी जो है वो वहां जाके गिरी, और फिर जब मुझे फिर उठा के ले गए, बच गई ये है कह रही, और फिर बच गई ये हमारे साथ है। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि घर में जब मेरी आंख खुली ना, यानी कि जब मुझे होश आया होगा, तो मुझे ये इतना सा याद है कि हमारा घर औरतों से, हमारा कमरा भरा हुआ था और अम्मी मेरी परेशान थी, और फिर गर्म गर्म दूध, उसके अंदर हल्दी और देसी घी डाल के मुझे पिलाने की कोशिश की जा रही थी। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मीनी तो इनके सेहन में गिर गई थी। तो ये गाय जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे मुझे इन गाय भैंसों, इन सींगों वाली सारी चीज़ों से उस वक्त से मुझे बड़ा डर लगता है, और मेरी कोशिश होती है मैं बस बच के ही चलूँ। अच्छा अब ना